अगली खबर में बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 मनगवा से चाक घाट के बीच में आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। दुर्घटना के प्रमुख कारण पर प्रशासनिक अमला अभी तक ध्यान नहीं दे पाया और रोड निर्माण के दौरान मिट्टी के स्थान पर पीली मिट्टी का प्रयोग किया गया। मुरुम के स्थान पर मिट्टी युक्त मुरुम का प्रयोग किया गया। गिट्टी और बोल्डर के स्थान पर बालू युक्त बोल्डर प्रयोग किया गया, जिससे रोड या तो दब गई या दरार निर्मित हो रही है। इसी तरह से मनगवा से चाक घाट तक के कुल 18 जगह रोड डिवाइडर कटे हुए हैं, लेकिन कोई प्रतीक चिन्ह अंकित नहीं है। जैसे गगेव चौकी के पास टिकुरी तेंदुआ मोड़ कलवारी घूमा गंगतीरा, इस तरह से चाक घाट तक के कई जगह छोटे बड़े कट हैं, जहां हर जगह दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मनगवा तिवनी मोड़ पर इसी तरह से लहुरिया परासी पेट्रोल टंकी के पास कलवारी मोड़ व अन्य स्थानों में दर्जनों पशुओं की मृत्यु और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। ब्रिज जो बने हैं वह आज तक चालू नहीं हुए, रोड कंप्लीट नहीं हुई। जैसे गढ़ नई गढ़ी मोड़ के पास धारा विभा के पास आज भी ब्रिज अधूरे हैं और रोड इधर से उधर नियम विरुद्ध लोग पार कर रहे हैं। सड़क की पटरी पर भारी वाहन 24 घंटे खड़े रहते हैं। मनगवा से चाक घाट के बीच में 32 स्थानों पर बिना पार्किंग के वाहन खड़े रहते हैं। साथ ही रोड पर खराब वाहन कई घंटों कई दिनों तक पड़े रहते हैं। फोर लेन रोड निर्माण एजेंसी द्वारा ऐसे खराब वाहनों को रोड से हटाया नहीं जाता। रोड पर प्रतीक चिन्ह का अभाव है, कहां किस स्थान पर वाहन की क्या गति रहेगी। रोडों की पटरियों पर बिना पार्किंग के होटल ढाबा की दुकानें संचालित हैं, जिनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। उक्त बातें क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे ने कही हैं। श्री पांडे ने कहा कि रोड के ऊपर पशु शाम के बाद झुंड के झुंड बैठे रहते हैं। इस तरह से रोडों की विसंगतियों को दूर किए बिना दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। मनगवा चाक घाट के बीच में 3 स्थानों पर विशेष दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, जिसमें तिवनी मोड़, टिकुरी मोड़, तेंदुआ मोड़, कलवारी मोड़। इनमें मेन रोड के दोनों तरफ से ग्रामीण अंचलों की रोड जुड़ती है और आज तक इसकी व्यवस्था नहीं की गई। रोड बनने के दौरान ही धसना शुरू हो गई थी, किंतु आज तक समाचार पत्र प्रकाशन शिकायतों के बाद भी शायद अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्यवाही करना ठीक नहीं समझा। यही कारण है कि सुहागी की घटना पुनः दुर्घटनाओं की याद ताजा कर रही है। बसों का संचालन नियम संगत कभी भी नहीं होता। परिवहन चेक पोस्ट ऊपर संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हुए वाहनों की आवाजाही में किसी प्रकार की जांच कार्यवाही नहीं की जाती। यही कारण है कि परिवहन विभाग द्वारा जारी नियमों की अनदेखी की जा रही है, जहां कंडक्टर चालक वर्दी विहीन गाड़ी में रेट सूची किराया नहीं परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराए से ज्यादा वसूली। शायद यह सारी बातें इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि केवल घोषणा वीर जन नेता है, जिससे नियम कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या ऐसी गंभीर और गुणवत्ता विहीन निर्मित रोड की जांच होगी। यदि जांच की जाए तो गढ़ के समीपस्थ धारा विभाग ब्रिज के पास पीली मिट्टी का प्रयोग किया गया था। विभाग रोक लगा दिया था, किंतु पुनः पास हो गई और लोगों के वाहन गुजरने लगे, रोड टैक्स लगने लगा, किंतु आज तक जांच नहीं हुई। इसी तरह से रोड निर्माण के दौरान परीक्षण केंद्रों से जिस मिट्टी मुरुम गिट्टी का परीक्षण हुआ है, क्या उस खदान में रोड में प्रयोग की गई सामग्री के बराबर उत्खनन किया गया है। उस स्थान पर उतना उत्खनन नहीं पाया जाएगा, बल्कि तालाबों का गहरीकरण कर गांवों को बावली खोद कर लोगों ने मनमानी तौर से मिट्टी मुरुम गिट्टी का प्रयोग किया। आज भी सुहागी पहाड़ पर 50 फीट गहरी खाई रोड निर्माण कंपनी द्वारा कर दी गई। आज तक वन विभाग और खनिज विभाग इसकी जांच नहीं कर पाया। शायद रीवा जिला का हर कार्य भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब लोगों का सत्ता के कार्यप्रणाली के प्रति भी काफी असंतोष व्याप्त हो रहा है। यह असंतोष आने वाले चुनाव में पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को जनता को कार्यों का हिसाब देना होगा। आइए सुनते हैं संजय पांडे को। आपका जो प्रश्न है कि रोड में फोर लेन में एक्सीडेंट क्यों होता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 जो मनगवा से इलाहाबाद तक के लिए चलती है, किंतु रीवा जिले में मनगवा से चाक की दूरी 50 किलोमीटर है। जब रोड निर्माण हुआ तो रोड निर्माण के दौरान मिट्टी मोरम गिट्टी जो डाली गई, जो लेबोरेटरी टेस्ट था,
उसके विपरीत अन्यत्र से खोद कर डाली गई पीली युक्त मिट्टी डाली गई और जो मुरुम डाली गई वो मिट्टी युक्त डाली गई। इससे रोड दरार लेती है और गिट्टी बालू युक्त डाली गई, वो पकड़ रोड की नहीं है। दूसरा है मनगवा से चाक के बीच में कुल 18 जगह डिवाइडर कटे हुए हैं, जहां इस पार से उस पार रोड में लोग क्रॉस करते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। तीन चार स्थान तो बहुत ही संवेदनशील हैं, जैसे मनगवा त्यूनी मोड़, टिकुरी और तेदुआ मोड़ और कलवारी मोड़, यहां कई घटनाएं घट चुकी हैं। इसी तरह से जो ब्रिज बने हैं, ब्रिज आज तक चालू नहीं हुए, गढ़ के दो ब्रिज आज भी उनका बाईपास अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। रोड गढ़ में गढ़ नई गढ़ी रोड पर तिरुआ मोड़ में ये धारा विभा में इस तरह से ब्रिज चालू नहीं है। रोड पर भारी वाहन दोनों तरफ खड़ा हो जाते हैं, जबकि फोर लेन में वाहन खड़ा होने का नियम नहीं है। रोड में प्रतीक चिन्ह ऐसे नहीं है कि जहाँ रेस्टोरेंट होटल फोर लेन रोड के आधार पर स्वीकृत हों वहाँ वाहनों की गति धीमी हो, ये भी नहीं है। और रोड पर बिना शासन के परमिशन के होटल और ढाबे संचालित हैं, जो कि नियम विरुद्ध है, दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। रोड पर पशु आए दिन झुंड के झुंड बैठे रहते हैं, जिससे रोड दुर्घटना का शिकार होते हैं। सर्विस सेंटर रोड पर खुल गए हैं, जहां गाड़ियों की धुलाई होती है, यह एक्सीडेंट के कारण बन रहे हैं। प्रशासन न तो आज तक रोड की गुणवत्ता की जाँच कर सका, जिससे रोड पर दरार तुरंत पड़ना शुरू हो गई, जिसका समाचार पत्रों पर भी कई बार छपा है। और रोडों की एक व्यवस्था नहीं सुधरी तो फोर लाइन में आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं घटती ही रहेंगी।